बरसात का मौसम, चाय की प्याली, व्हाट अ नाइस कॉम्बिनेशन विद पकोड़े की थाली। पकोड़े बनाना तो सबको आता है, मगर कुरकुरे पकोड़े बनाना सबको नहीं आता। आज मैं इस वीडियो में आपको दुकानदार जैसा बिल्कुल लच्छेदार और क्रिस्पी कुरकुरे पकोड़े बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ लच्छेदार प्याज ले लिया है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी से बाउल में डाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू को बिल्कुल लच्छेदार कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने ही बारीक बारीक और पतले पतले कटे हुए हैं। अब जल्दी से मैं इसको बाउल में डालती हूँ और हमारे सारे मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है बेसन, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ अजवाइन। अजवाइन हमें बेसन में ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया, हरी कटी हुई मिर्च बिल्कुल तीखेपन के लिए, फिर यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला और फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद थोड़ा और तीखे और जायके के लिए यहाँ पे हम डालेंगे हमारा रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्सिंग, वो भी जल्दी जल्दी। तो जी, आलू प्याज यहाँ पर लच्छेदार बिल्कुल तैयार है। अब वक्त आता है इन्हें तेल में फ्राई करने का। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें कि बहुत बड़े बड़े आपने पकोड़े लिए और बस उसको तेल में फ्राई कर लिया। जब भी पकोड़े बनाएं, सब्र बांध कर रखें, छोटे छोटे से पीसेस बनाएं उसके और फिर उसे ऑयल में फ्राई करें। तो इससे क्या होगा, आपके जो पकोड़े होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी होंगे। तो जी, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स बताने लगी हूँ। जब भी आप पकोड़े बनाएंगे, प्याज को बारीक बारीक कट करेंगे, आलू को भी बारीक बारीक कट करेंगे और जो बेसन की क्वांटिटी होगी वो थोड़ी आप कम रखेंगे। और आपको क्या करना है, अपने बैटर में बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है और पकौड़ों को छोटा छोटा करके तलना है। तो यही है दुकानदार का सीक्रेट जो आपको अपनाना है और आपके भी पकौड़े बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे, जो शायद आज तक नहीं हुए होंगे।